Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंब्रा का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेज आर ऑल्सो अवेलेबल। अभी हमको अगर ये सब इन सब नहीं मिलेगा ना, हम लोग सब इतना लोग मिलते धरना में बैठ जाएंगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बदमाशों ने किन्नर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है और 3 तोले की सोने की चैन छीनकर फरार हो गए हैं। मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके का है। इस घटना के बाद किन्नर समुदाय में काफ़ी हलचल मच गई है। आपको बता दें कि किन्नर सलमा खान अपने रिश्तेदार के घर से 15 अप्रैल की रात करीब 2:30 बजे के आसपास अपने घर रामाबाई कॉलोनी शांति नगर जा रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने किन्नर सलमा खान को पकड़ लिया और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला सलमा खान पर कर दिया। 3 तोले की चैन और पर्स छीन कर ये बदमाश फरार हो गए। इसी दौरान किन्नर समुदाय के तमाम लोग पंत नगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं किन्नर समुदाय के लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं किन्नर समुदाय पर कई बार हो चुकी हैं मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए इस घटना के बाद किन्नर समुदाय में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है और ये इंसाफ की मांग कर रही हैं। हाँ, मैं वहाँ से आ रही थी, उन लोग का आपस में झगड़ा हो रहा था, मुझे नहीं था पता उन लोग का झगड़ा हो रहा था। मैं उधर से आ रही थी, और मेरा चेला आ रहा था, तो उन लोग का आपस में मारा मारी हो रहा था, मुझे किसी से लेने नहीं कुछ नहीं, ठीक है। मैं तो उन लोग को जानती भी नहीं। मैं वहाँ से आ रही थी, उन लोग का झगड़ा हो रहा था, मैं वहाँ से जा रही थी, उन लोग ने मुझे भी पकड़ के मेरे साथ ऐसा अत्याचार किए। देखो, मैं चैन पहनी थी, मेरा चैन खींच लिए और जो मैं पाकिट ली थी मेरा पाकिट भी ले लिए उन लोग लड़के लोग, ठीक है। मेरे साथ ऐसा अत्याचार हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए सर, ठीक है। एक बार पहले भी हुआ था, मुझे इंसाफ नहीं मिला था, अभी मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे टाके भी आए हैं 10-12, मुझे टाके लगे हुए हैं और मुझे इतना मारे उन लोग, मुक्का मार लड़के लोग कितना मारे। इससे पहले भी हमारे साथ शिवाजी नगर में हो चुका, हम तकलीफ में जाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी हमारे साथ, हमारे किन्नर के साथ ऐसा हुआ। हम लोग क्या कर गए, आज गले से उसके चैन चली गई है। हम लोग रास्ते में आए, हमारा जीना दुश्वार, आना जाना, हम कहाँ जाएंगे? हमको इंसाफ नहीं, क्या हम इंसान नहीं है? हमको भी तो ये है, अभी हमारे हमारे गुरु के सिवा हमारा कोई नहीं है। अभी वो यहाँ चौकी के सामने आके हमारी गुरु को धमकी दे के गया, चेहरे पे वार करेगा, एसिड फेंकेगा, एसिड फेंकेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा इनके सिवा कोई नहीं है। अब ये बोल के जा रहे, अब पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर अगर उनको अरेस्ट नहीं करते तो कल हम लोग अपने धरने पर बैठ जाएंगे सर। प्लीज़।